हे एवरीवन, व्हाट्स अप। सो अभी रात के 11 कुछ बज रहे हैं, शायद 11:07 हो रहा है। मैं बहुत पहले स्टोरी टाइम करता था और काफ़ी लोगों को मेरे स्टोरी टाइम पसंद भी आते थे जो मैं ब्लॉग चैनल पर करता था। बट उस चैनल पर मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, देन बिकॉज रिएक्शन में मेरे को ज़्यादा मज़ा आने लगा। ब्लॉग्स भी करने थे बट यार वही जाना वाना बाहर थोड़ा बंद हो गया मेरा, तो उसकी वजह से मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया। एंड देन रिएक्शन पर बहुत ही ऑसम रिस्पॉन्स है और मुझे भी मज़ा आया, तो फिर वो ब्लॉग से रिएक्शन बन गया। तो वहाँ पर मैं पहले डालता था स्टोरी टाइम, तो जो तुम्हें काफ़ी पसंद आते थे, तो मैंने सोचा अभी इस चैनल पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने खाना वाना खा लिया सब कुछ। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले स्टार्ट करने वाला था स्टोरी टाइम, बट ये हॉरर स्टोरी टाइम है। हाँ, हॉरर स्टोरी टाइम है। इससे पहले वाला बहुत ही औसम था, अगर वो उस चैनल पर पड़ा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, कमेंट में लिख देना, वहाँ से डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीन कुछ ऐसा है, ये वाले स्टोरी टाइम में ऐसा हुआ था, ये मेरा रियली है बिकॉज मैं रियली एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, जब तक है मेरे पास तब तक रियली बताऊँगा, उसके बाद फेक बताने शुरू कर दूंगा। तो इसमें ऐसा सीन हुआ था, अपनी ना छुट्टियाँ पड़ी थी, ये है कुछ मेरी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बात है, लगभग से 3-4 साल 4-5 साल पुरानी बात है। तब क्या हुआ था, अपनी छुट्टियाँ पड़ी थी और छुट्टियों में ना अपन अपने मतलब गाँव जाते हैं उत्तराखंड, तो पूरा परिवार उत्तराखंड जा रहा था। तो उत्तराखंड में ना बीच में श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, तो वहाँ पे ना मेरे चाचा लोग रहते हैं। तो सीन क्या हुआ था, अब वो है पहाड़ी इलाका और पहाड़ में तो तुम्हें पता ही है सीन कितने खतरनाक होते हैं, जो लोग गढ़वाली हैं तो उन्हें पता होगा कि पहाड़ी पहाड़ होते हैं और गिनती के घर होते हैं, और ऐसे मतलब घोष्ट वगैरह के तो बहुत इंसिडेंट होते हैं वहाँ पर, तो 8-9 बजे के बाद कोई निकलता भी नहीं बाहर। तो सीन ऐसा हुआ, वहाँ मेरे चाचा लोग रहते हैं, तो अपन श्रीनगर बीच में पड़ता है तो वहाँ रुकना था, अपने कहा रुक जाते हैं, मिल के चलेंगे, फिर अगले दिन सुबह सुबह गाँव की तरफ हो लेंगे, और आगे 1-2 घंटे का रास्ता और है बस। हमने कहा ठीक है, तो वहाँ रुक गए चाचा के घर में। अब मैं था, अंकिता, अनु था, मम्मी थे, पापा थे, और वही चाचा के अपने एक लड़का भी है बड़े वाला, ठीक है। तो सीन क्या हुआ था कि वहाँ रुक के अपना खाना पीना खाया, सब कुछ बढ़िया, एंड अपना बातें बातें करी, मज़ा आया। अब गांव में जब बैठते तो अपनी आदत होती है कि ना अपने जो रिश्तेदार होते हैं या कोई बुजुर्ग होता है, तो वहाँ पर अपनी वो भी थी ताई, पता नहीं, हाँ ताई जी कह लें, तो वो थोड़े बड़े थे, तो हमने सोचा कि उनसे सुनते हैं अपना हॉरर किस्सा। तो हॉरर किस्से भी से सुने, मज़ा बड़ा है, मेरे तो कीड़ा हमेशा से ही रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि 7:30-8 बज गए, वही अंधेरा हो गया, खाना वाना जल्दी खा लेते, खा लिया, अब सबके सब अपना बैठ गए टीवी भी देखने के बाद सोने को। लेकिन अब मेरे थे चूल्हे, तो क्योंकि अब बाहर घूमना है, तो मैंने वो बड़े वाले लड़के को बोला, मैं कहा चल थोड़ा घूम कर आते हैं बाहर, तो कहता ठीक है, वैसे तो मना करते हैं घर वाले, लेकिन यह कि अब इतने लोग थे, मम्मी पापा अपना बातें कर रहे थे चाचा और के साथ, और अनु वगैरह टीवी टूवी देख रहे थे, तो हम निकल पड़े बाहर। अब बाहर अंधेरा बिल्कुल, अब गाँव का सन्नाटा छाया हुआ था, तो मैं और वो लौंडा निकल पड़े, वही बड़े वाला। तो हम थोड़ा थोड़ा आगे तक गए, तो बातचीत कर रहे थे अच्छे से, हल्के फुल्के जा रहे थे, तो ना उसके चेहरे पे ना ऐसा था, जब हम थोड़ी सी दूर निकल आए तो वहाँ वैसे सन्नाटा बहुत होता है, तो क्या हुआ कि बात करते करते ना अचानक से वो उल्लू का पट्टा चलते चलते अजीब सी स्माइल देने लग गया मेरे को, होती ना वो गंदे वाली स्माइल, तो मेरे को लगा भाई नॉर्मल ही है, कौन ही एकदम से तो पता नहीं लगता ना कुछ, तो मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलते चलते थोड़ा सा और चले, बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो बता रहा था मुझे यहाँ ये यह होता है, वहाँ वो होता है, थोड़ा पैदल ही जा रहे थे, अभी घर से अपन निकल आए तकरीबन 500-700 मीटर दूर, काफ़ी होता है ठीक है, यहाँ शहरों के हिसाब से नहीं लेकिन गाँव के हिसाब से 4-5 मोड़ आ जाते हैं, ठीक है। अब सामने जंगल है ये वो, तो उसकी ना वो हल्की सी स्माइल, तो स्माइल से मेरे को इतना नहीं लगा कुछ, बट फिर थोड़ा सा और आगे चले, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर ना अपना क्या होता है देवी देवताओं वाला सीन होता है उत्तराखंड में, तो वो लोग पट्टा मेरे को बताता ऐसी गंदी सी स्माइल से रुक गए, एकदम से सडन रुक गया। मैं ठीक है भाई रुक गया होगा, अब मैं 2 कदम आगे आ गया, मैंने देखा ये रुक क्यों गया भाई, तो मैं थोड़ा सा पीछे गया, तो उस साला उधर जंगल की तरफ देख के बोलने लगा कि तेरे को पता है यहाँ पर ना ये काफ़ी वो वाला स्थान है, मतलब क्या है ना पवित्र स्थान बोल ले इसको, तो यहाँ पे काफ़ी पवित्र स्थान है, और बिल्कुल ही वो क्या होते हैं ना ड्रामेटिक सी वॉइस वैसे मैं बोल रहा था, और यहाँ पर ना थोड़ा सा शक्तियाँ वक्तियों वाला सीन होता है, उसने अपनी लैंग्वेज में बोला भी, तो तुम्हें क्या बताऊँ मैं एग्जैक्ट, तो कहता है यहाँ पर ऐसा सा होता है। ओके, सुना तो है घर वालों से काफ़ी बार, तो नहीं मैंने इतना सीरियस लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे कहता चला दिखा के लाता हूँ तेरे को, मैं कहा यार अभी तक तो नॉर्मल है सीधे सड़क तक, इतना भी मैं दिलेर नहीं हूँ कि थाले तेरे साथ एक अलग रास्ते पर निकल पड़ूँ जो जंगल की तरफ जा रहा हूँ, वो भी स्पेशली जब तू बोल रहा है कि ये वो वाला रास्ता है, कैसा थोड़ा सा यहाँ पर होता है ना कि थोड़ा शक्तियों शक्तियों वाला, तो मैं कहा नहीं यार भाई नहीं, मना किया मैंने ऑब्वियसली। तो वही उसका अजीब सा चेहरा हो रखा था, अजीब सा क्या, वही सेंसेस थोड़े सा बंदे को पता लग ही जाता है कि नहीं भाई ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है ये वो, बट कहीं कहीं ये भी लगा कि नहीं कर रहा होगा नॉर्मली होगा, बट थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ गई थी। कहता चल
कुछ नहीं होगा ऐसे ऐसे करके। मैं कहा दो कदम तक तो चल ही लेते हैं, अब एकदम से अब हैबी बढ़ा है तो फिर मना भी नहीं होता। मैं कहा चल ठीक है, बड़ा बोल रहा है तो चलते हैं, दो कदम के बाद खुद ही वापस ले आएगा, मूर्ख थोड़ी है जो जंगल में ले जाएगा। दो तीन कदम गए, चार पाँच, अब थोड़ी सी फट भी रही थी, चार पाँच कदम ही चले थे कितने में पीछे से ना पापा मम्मी ने आवाज़ मार दी। एकदम से सडन में पीछे मुड़ा तो वहाँ पर अब अन्नू अंकित भी थे, तो कहते कहाँ जा रहा है साले, ऐसे मतलब अपनी लैंग्वेज में मम्मी और गढ़वाली में बोला, कहाँ जा रहा है भाई ये वो पागल है क्या, तो दिमाग ख़राब है, अकेले कहाँ जा रहा है। मैं कहा अकेले, मानोगे नहीं तुम, वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैंने सडन देखा, मैं अकेले कहाँ, भाई है मेरे साथ, मैंने देखा वहाँ भाई था ही नहीं, जिसके हाथ में आया वो था ही नहीं उल्लू का पट्टा। तो मैं कहा यार यहीं तो खड़ा था, और वो अभी मम्मी पापा के साथ खड़ा था, मम्मी पापा की अन्नू के साथ ही खड़ा था। मैं कहा ये साला तो मेरे साथ खड़ा था, इतनी जल्दी ये आगे से पीछे कैसे चला गया, तो या तो बड़ी तेजी से आगे पीछे से साला पीछे चला गया, और या तो साला फिर मेरे साथ है ही नहीं, पता नहीं क्या अजीब सा ही इंसिडेंट था। तो मैंने बताया भी नहीं किसी को, क्योंकि फिर मेरी वही है ना वो कि मानता भी नहीं कोई सच्ची। तो भाई ये मेरे को समझ सा नहीं आया कि वो जब मेरे साथ था तो एकदम से पीछे कैसे चला गया, मेरे सिर्फ मुड़ते ही। तो एक ये इंसिडेंट था, उसके बाद मैंने तो मतलब पूछने की कोशिश तो की थी, फिर वही अब बच्चों दी हुई थोड़ी सी, नहीं मानता कोई ये वो, तो ये काफ़ी रेयर सा था। फिर इसके बाद अपन चले गए अपने गांव को, तो उसके बाद एक दो बारी मेरे को मतलब ऐसे अजीब अजीब से सपने भी आए थे उससे रिलेटेड, जो मतलब दर्शा तो ये रहे थे लेकिन मैं मानता नहीं इतना इन चीज़ों में कि मज़ा ही आता है सुनने में। तो मैं कहा नहीं यार इससे रिलेटेड क्या ही होगा, कुछ और ही होगा, लेकिन ये था बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था, बिकॉज एकदम से किसी का आगे से पीछे जाना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही है। तो मेरी फटी भी बहुत, मैं थोड़ा सा सदमे में भी था कुछ टाइम, बट फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं। अब तो 5-6 साल हो चुके हैं, तो बताता हूँ तो कोई सीरियसली नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता, मैं कहा चलो जान दो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये थोड़ा सा है, ये इतना हॉरर पिक बोल लो नहीं, जिनको नहीं पता उनको तो क्या भी लगेगा, लेकिन हाँ मेरे साथ हुआ था तो मेरे को थोड़ा सा तो लगता है कभी कभी, सोच के फट तो जाती है मेरे की किसके साथ जा रहा था और मैं जंगल में क्यों जा रहा था। तो ये थोड़ा सा बाकी और भी ऐसे छोटे मोटे, बट सुनाऊंगा कभी फुर्सत में, अभी तो रात हो गया मेरी फट रही है, तो अभी मेरे को सोना है क्योंकि सूसू जाया नहीं जाएगा मेरे से। तो तुम्हें पसंद आया तो बताना, और तुम भी बताना तुम्हें किस टाइप के सुनने हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।